आदरणीय बंधुओं ओम नमः शिवाय। दिनांक 4 जुलाई 2023 से श्रावण का पवित्र महीना प्रारंभ होने जा रहा है। संयोग से इस वर्ष श्रावण 2 मास क्रमशः जुलाई एवं अगस्त माह में दिनांक 31 अगस्त 2023 तक कुल 59 दिन का पड़ रहा है। मल मास अथवा अधिक मास होने के कारण यह श्रावण मास अधिक महत्व लिए हुए हैं। श्रावण मास को लेकर आम जन के मन में यह जानने की प्रबल इच्छा रहती है कि आखिर श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा आराधना क्यों महत्व रखती है, जबकि उनकी पूजा तो वर्ष भर होती है। तो आइए बाबा कैलाशी के निर्देशन में इसके प्रधान प्रधान कारणों से आपको अवगत कराते हैं। प्रथम कारण तो यह है कि भगवान शिव आदि गुरु हैं और प्रत्येक युग के प्रत्येक कल्प में गुरु शिष्य की परंपरा का प्रतिपादन करने के लिए वे अपने 4-4 शिष्यों को उत्पन्न कर गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी समाधि से बाहर आते हैं और इसी कारण हम अपने अपने मानवीय गुरु को भगवान शिव का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गुरु पूर्णिमा की आगामी तिथि से श्रावण मास प्रारंभ होता है। श्रावण मास में चारों ओर हरियाली एवं हल्की हल्की वर्षा की शीतल ऋतु रहती है, जो भगवान शिव जी को कठोर तप से उठने के बाद उत्पन्न ऊर्जा को शांति प्रदान करती है, जिस कारण भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसलिए श्रावण मास में प्रसन्न चित्त भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा प्राप्त करना अत्यंत सरल और कम श्रम साध्य होता है। भगवान शिव तो आशुतोष और ओढ़रदानी की विभूति से विभूषित हैं ही, अतः भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए श्रावण मास से उत्तम कोई अन्य समय हो ही नहीं सकता। दूसरा कारण है कि श्रावण मास के पूर्व ही समस्त देवता आगामी 4-5 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं, तो मृत्यु लोक के प्राणियों की रक्षा एवं उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव जी का संपूर्ण परिवार पृथ्वी पर चेतन अवस्था में रहता है। भगवान शिव श्रावण मास तो भाद्रपद मास में शिवपुत्र श्री गणेश जी, तदोपरांत अश्विन मास में शिवपुत्र कार्तिकेय जी एवं देवी दुर्गा जी भक्तों का कल्याण करते हैं। यही कारण है कि श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करना अत्यंत सरल और सीधा मार्ग है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है, रामचरितमानस के उत्तर कांड में महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। अर्थात बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है, क्योंकि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। अतः यहाँ यह समझना आवश्यक है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि ही एकमात्र ऐसी है जिससे हम इस अखिल ब्रह्मांड के इष्ट देव भगवान शिव जी का साक्षात्कार कर सकते हैं, अथवा इस प्रकार कहें कि केवल मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ शिवा मिशन न्यास बाबा कैलाशी के आदेश से एक तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता है कि श्रावण मास के पूर्वी देवता गण निद्रासन में चले जाते हैं। चूँकि देवता मनुष्यों का भला इस कारण भी नहीं चाहते क्योंकि वे मनुष्य की भांति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, अतः जैसे ही कोई मनुष्य ईश्वर की ओर अग्रसर होता है तो देवता गण उसके मार्ग में व्यवधान या बाधा उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए श्रावण मास मनुष्य मात्र के लिए उत्तम समय होता है, क्योंकि इस समय देवता शयन कर रहे होते हैं और भगवान शिव समाधि से उठकर प्रसन्न चित्त हो मनुष्यों के कल्याण के लिए पृथ्वीलोक पर साकार स्वरूप में पूर्ण चेतन अवस्था में उपस्थित रहते हैं। शिवा मिशन न्यास आपसे एक अनुरोध और करना चाहता है कि इस बार श्रावण मास में आप भगवान शिव पर पत्र पुष्प फल द्रव्य नैवेद्य अर्पित करते समय कोई मांग न रखें,
केवल भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे यही प्रतिदिन निवेदन करते रहें। साथ ही आपके पास जो कुछ भी भौतिक सुख साधन है उसके लिए भगवान शिव को नमस्कार करते हुए धन्यवाद देना न भूलें। भगवान शिव जी ही एकमात्र ऐसे ईश्वर हैं जो आपके मन में क्या है जान लेते हैं। अतः भगवान शिव जी को आपको कब क्या देना है उन्हीं पर छोड़ दें। शिवा मिशन न्यास द्वारा बाबा कैलाशी के निर्देशन में श्रावण मास में किस दिन भगवान शिव को कौन से पत्र पुष्प फल एवं द्रव्य अर्पित करना है के लिए शॉर्ट वीडियो तैयार किए गए हैं, जो एक दिन पूर्व कि आपको कल भगवान शिव को क्या अर्पित करना है बताया जाएगा। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। भगवान शिव जी पर जो जो द्रव्य अर्थात तरल पदार्थ चढ़ाए जाते हैं उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए, तथा जब पुष्प अन्न फल और नैवेद्य निवेदन करना हो उस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इससे भक्त को पूजा का पूरा पूरा लाभ मिलता है। बोलिए ओम नमः शिवाय।